हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप देखिए इस पंखे को, इस तरह का कोई पंखा हो जिसमें इस तरह से सप्लाई लाइन यहाँ से गया हुआ है। ये वायर देखिए, ये सप्लाई लाइन का वायर है। तो इस तरह का कोई भी सीलिंग फैन हो या फिर टेबल फैन भी हो या एग्जॉस्ट फैन हो, कोई पंखा हो जिसमें सप्लाई लाइन दिया जाता है, वो जहाँ से इन करता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह से ये वायर देखिए, यहाँ से ये इन किया है। तो टेबल फैन में कहीं ना कहीं से इन करेगा, एग्जॉस्ट फैन में कहीं ना कहीं से इन करेगा, तो जहाँ से इन करेगा सप्लाई लाइन, इस बात को याद रखिएगा। देखिए इस जगह से आपको दिखाता हूँ, इस जगह से इन कर रहा है, यानी कि यहाँ से ये वायर अंदर की ओर जा रहा है और इस जगह से वायर आउट हो रहा है। तो इसके बीच में ये वायर जो यहाँ से सप्लाई लाइन गया हुआ है, यहाँ से इस रड के अंदर घुसा हुआ है और इस जगह से बाहर निकला हुआ है, तो इसके बीच में अगर वायर कहीं से कट जाता है, इस रड के बीच से, ये पूरा रड जो यहाँ से यहाँ लगा हुआ है, इसके बीच से अगर वायर कहीं कट जाता है या टूट जाता है, तो क्या होगा, आपके पंखे में करंट आ जाएगा। तो ये तो हो गया सप्लाई लाइन जो यहाँ से इन होता है, इस जगह से, यानी कि इस जगह से अंदर घुसता है, तो इस जगह पर अक्सर ज़्यादा कटता है, ये कोने पर, इसी जगह पर। और इसके नीचे जब यहाँ पर से ये निकलता है, तो इस जगह पर अक्सर ज़्यादातर ये सप्लाई लाइन का वायर कटता है। अगर ये सप्लाई लाइन का वायर कट कर या टूट कर इस रड में टच हो जाता है, तो क्या होता है, पंखे में करंट आ जाता है। अब देखिए इसके अंदर से जो तीन वायर कनेक्शन के लिए निकाले जाते हैं, ये वाला वायर, यहाँ से देखिए, यहाँ से तीन वायर या चार वायर भी कनेक्शन के लिए निकाले जाते हैं, तो इनमें से कोई एक वायर कट कर या टूट कर इस पंखे के बॉडी में कहीं भी टच करेगा, तो पंखे में करंट आ जाएगा। अगर बाहर के तरफ सभी वायर बिल्कुल सही हैं, कहीं भी कटा हुआ या टूटा हुआ नहीं है, तो आपको पंखे को खोलना पड़ेगा। देखिए मैंने ये दूसरा पंखा लिया हुआ हूँ जो खुला हुआ है पहले से, तो इसमें पहले से करंट है, तो इसे किस प्रकार चेक करना है वो पहले आप समझ लीजिए। देखिए इसमें सीरीज लाइन से चेक करना है, एक वायर में टच करना है सीरीज लाइन का और एक इसके बॉडी में टच करना है। देखिए ये बल्ब जल रहा है, इसका मतलब इस पंखे में करंट है। अब आप दूसरे वायर में टच कीजिए, देखिए इस प्रकार से, और पंखे के बॉडी में टच कीजिए वायर को, देखिए इसमें भी देखिए बल्ब जल रहा है, इसका मतलब करंट है। और ये तीसरे वायर में भी टच कीजिए, देखिए इसमें भी करंट है, यानी कि सारे वायर में करंट शो कर रहे हैं। आपका एक वायर में भी करंट रहेगा तो समझिए कि पंखे में करंट है। अब मैं इस पंखे को पूरी तरह से खोलकर आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए इसे मैंने खोल दिया। अब इसके अंदर के कॉइल को देखिए, ये अंदर कॉइल जले हुए हैं, यानी कि स्टार्टिंग का कॉइल जले हुए हैं। अब इस जगह पर देखिए, यहाँ का पेपर झड़ गया है, यानी कि पेपर टूट गया यहाँ का। इस जगह पर देखिए पेपर टूटा हुआ है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी पेपर टूटा हुआ है, यानी कि इन सभी जगह में पेपर टूटा हुआ, देखिए ये सब। तो ये पेपर टूटने के कारण ही इस पंखे में करंट आ रहा है। देखिए इन सारे कॉइल में पेपर लगे हुए रहते हैं, अगर ये पेपर झड़ जाएगा यानी कि टूट जाएगा, कोई एक भी पेपर अगर टूट जाता है, तो क्या होता है कि कॉइल स्टेटर से टच होने लगता है, जिसके कारण पंखे में करंट आ जाता है। अगर पंखे के सारे कॉइल जल जाएंगे
और इस पंखे का एक भी पेपर नहीं टूटेगा, यानी एक भी पेपर नहीं झड़ेगा, तो आपके पंखे में कभी भी करंट नहीं आएगा। यानी कि पेपर झड़ने के कारण ही, यानी पेपर टूटने के कारण भी, अगर एक भी पेपर इसमें से टूट जाता है और कॉइल स्टेटर से टच होने लगता है, जिसके कारण पंखे में करंट आ जाता है। तो इस तरह से आप भी अपने पंखे को चेक कर सकते हैं कि आपके पंखे में करंट कहां से आ रहा है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि अगर पेपर झड़ जाए तो उसमें पेपर कैसे लगाएं? तो इसके लिए आपको खुद ही कोशिश करना होगा पेपर लगाने के लिए, क्योंकि मैं अगर इस पर वीडियो ही बनाऊंगा तो आपको सही से समझ नहीं आएगा। और झड़े हुए पेपर के जगह पर जब पेपर लगाया जाता है तो वो भी 100% सक्सेस नहीं हो पाता है। एक दो कॉइल हो तो आप सक्सेस कर लेंगे, या तीन कॉइल तक आप सक्सेस कर लेंगे, लेकिन उससे अधिक अगर झड़ा हुआ कॉइल का पेपर हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है।